हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अनुराधा राजत्यागी, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु गाइड, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ ब्रह्म स्थान पर। ब्रह्म स्थान क्या है और यहाँ पर क्या होना चाहिए और ये कैसा होना चाहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्म स्थान क्या होता है? ब्रह्म स्थान घर का सेंटर होता है। घर का सेंटर जो है, हम ब्रह्म स्थान को ऐसे समझते हैं कि जैसे हम लोगों में नाभि होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, उसी तरह से घर का ब्रह्म स्थान होता है। ब्रह्म स्थान पूरे घर का 1/3 पार्ट होता है, ठीक है। और इसको हम कैसे निकालते हैं? जो हमारा प्लॉट है उसका सेंटर पॉइंट निकालते हैं और उसके बाद जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसका सेंटर पॉइंट निकालते हैं, तब हमारा ब्रह्म स्थान हमें पता चलता है, ठीक है। और इसमें मर्म पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। जैसे हम लोगों में 7 चक्रास होते हैं, ऐसे ही ब्रह्म स्थान में मर्माज होते हैं, मर्म पॉइंट्स भी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। ब्रह्म स्थान घर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये बिल्कुल खाली होना चाहिए। यहाँ पर ना तो कोई भारी आइटम रखना है आपको और ना ही यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन होनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्टेयर केसेस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी बेडरूम वगैरह नहीं होगा, किचन नहीं होगी, वॉशरूम नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है? अब सवाल आता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो हो क्या सकता है? तो यहाँ पर जो है सिर्फ हम लिविंग रूम कर सकते हैं, लॉबी रख सकते हैं और अपना सिटिंग एरिया बना सकते हैं, फैमिली लाउंज, जिसमें हल्का फर्नीचर डाला हुआ, भारी फर्नीचर भी नहीं रखना है हमको। जैसे आपके क्रॉकरी स्टैंड हो गया या बार वगैरह हो गया, वो हमें ब्रह्म स्थान में नहीं रखना है, ठीक है। और यहाँ पर कोई पिट भी नहीं होना चाहिए। महाभारत में पांडवों की माया नगरी जो है सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वहां पर पिट था, फिर पांडवों का क्या हाल हुआ था वो हम सबको पता है। तो पिट भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और ब्रह्म स्थान का कलर कैसा होना चाहिए? वाइट कलर होना चाहिए, बिल्कुल हल्का, साफ सुथरा। अगर हो सके तो वहाँ पर अगर लाइट आती होगी तो बहुत अच्छा रहेगा, वो और अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा ब्रह्म स्थान। तो ये था आज का मेरा ब्रह्म स्थान का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।